नमस्कार, मैं मीनू एमएस देव दिशा में आपका बहुत ज्यादा हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 12 तरह की राशियां होती हैं और उन राशियों में से जो है मेष राशि के विषय में मैं जानकारी दे चुकी हूँ अगले वीडियो में, और जो इससे पहले मैंने डाला है, और अब मैं दूंगी वृषभ राशि की। तो वृष राशि की, तो ये जो है सबसे पहले मैं बता दूँ कि राशियाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो प्रथम तो होती है मेष राशि, और दूसरी होती है वृष राशि, और तीसरी होती है मिथुन राशि, चौथी होती है कर्क राशि, और पांचवी होती है सिंह राशि, और छठी होती है कन्या राशि, और उसके बाद में होती है सातवीं तुला राशि, आठवीं वृश्चिक राशि, और नवीं धनु राशि, और ग्यारहवीं होती है, दसवीं होती है मकर राशि, और ग्यारहवीं होती है कुंभ राशि, और बारहवीं होती है मीन राशि। तो अब मैं आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इनके स्वभाव के बारे में जानकारी दूंगी कि इनका स्वभाव जो है कैसा होता है और ये किस टाइप के व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले मैं वृषभ राशि के लिए बताऊंगी कि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं, उदार होते हैं, और तथात्मक होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, और व्यवहारिकता इनके अंदर बहुत ज़्यादा भरी होती है, और कला प्रेमी बहुत होते हैं, इनको कलाएं बहुत अच्छी लगती हैं, और आत्मनिरत अपने निरीक्षण करना और सावधान रहना और भरोसे के लायक होते हैं, और धीरे और कठोर भी होते हैं, धीर भी होते हैं और कठोर भी होते हैं, दोनों ही गुण इनके अंदर भरपूर भरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि इनके बारे में जो है रंग, अब मैं बताऊँगी कि इनको रंग कौन सा चूज़ करना चाहिए, इनके लिए शुभ रंग जो है कौन सा है। तो इनके लिए जो है मटमैला रंग शुभ है, अर्थ टोन्स जैसे कहते हैं हरा, नारंगी, पीला रंग शुभ है, और इनको जो है सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए कौन सा रंग यूज़ करना चाहिए, वो है लाल बैगनी। और दूसरी बात बता रही हूँ, आमदनी की शक्ति को प्रोत्साहित करने वाला रंग जो इनका होता है वो पीला और नारंगी होता है, और इनकी जो है रत्न जो है मूंगा और पन्ना इनके लिए विशेष रत्न है, और धातु इनकी तांबा है। इनके लिए महक जो है वो है शुभ है इनकी तीखी, बादामी, गुलाब, वेनिला और वायलेट, और इनकी जो गुणवत्ता है वो स्थिरता है, और संतुलन के लिए सबसे जरूरी गुणवत्ता इनकी लचीलापन है, और सबसे अधिक गुण है इनके अंदर धीरज, निष्ठा, धैर्य, स्थिरता, एक सामंजस्यपूर्ण स्वभाव, ये इनके सबसे अधिक गुण है, और सबसे जरूरी जरूरत इनकी है आराम, भौतिक सुख और धन। इनको आराम की बहुत ज़्यादा चाहत रहती है, ये आरामवादी, बहुत ज़्यादा आराम पसंद है, और ये भौतिक सुख में बहुत विलीन रहते हैं, और इनको धन भी इनके पास में प्रचुर मात्रा में होता है। और किन चीज़ों से इनको बचना चाहिए, कठोरता से, ज़्यादा कठोर ना बने, और ज़्यादा हट यानी हट ही नहीं होना चाहिए, किसी भी बात को लेके पकड़ कर उसी पर अड़े रहना ये हटी स्वभाव है, ये इनको त्यागना चाहिए, और ज़्यादा पकड़ और भौतिकवादी होने की प्रवृत्ति, यानी कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा चाहने की इच्छा, बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ जाना, ये इनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो है मैंने आपको बताया इनके अच्छे गुण, महक, धातु, सब कुछ। तो अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि इन राशि वालों को के जो है संबंधित अंगों और रोग, इनके मतलब इनको कौन कौन से रोग की आशंका रहती है जिससे इनको बचाव करना चाहिए। तो वृष राशि वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आँख में कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे भी होती है तो ये सचेत करने के लिए खाली बताया जा रहा है कि आप सावधान रहें, अगर कहीं कुछ आपको थोड़ी मोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उससे उसका इलाज तुरंत करवा लें। तो सबसे पहले आ गया आँख, और दूसरा आ गया नाक, तीसरा आ गया कान,
और मुख यानी मुंह और ठोड़ी और जीभ और गला, इन सब से इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके विषय में अगर कोई भी तकलीफ अगर आपको थोड़ी छोटी भी है तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको कहीं भी थोड़ी भी तकलीफ है तो उसको तुरंत डॉक्टर से उसका उपचार करवाइए, जिससे कि कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती है, बढ़ने ना पाए, और सावधान रहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई इनकी राशि से संबंधित अंगों द्वारा योग और उनके विचार। तो ये थी वृषभ राशि की जानकारी थोड़ी। तो ये अभी मैंने आपको खाली इनके मुख्य विषयों के बारे में आपको बताया है, और मैं आगे जो है 2020 में जरूर लाऊंगी पूरी जानकारी, पूरी राशि के विषय में, एक एक राशि के विषय में, 12 राशियां हैं उनके सबके विषय में, दिन और महीने के हिसाब से राशिफल के विषय में बताऊंगी। और ये आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे और लाइक सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास में मेरा वीडियो ये पहुंच पाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप आइकन बेल बजाना ना भूलिएगा, बेल बजाएंगे तो ऑप्शन आएंगे आपके पास में, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो आप तक पहुँचेगा और आप उस आपको उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो ये थी मेरी वीडियो वृषभ राशि के लिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप बताइएगा, और इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। बाय, फिर मिलेंगे, गुड डे।